नमस्ते सत श्री अकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम चेक करेंगे फरवरी 12th से फरवरी 29th तक क्या कुछ पॉसिबल है, क्या एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हम चेक करेंगे। सो आपके सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट अपने रीडिंग में आप जा सकते हैं। हम पहले चेक करेंगे रिलेशनशिप, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, उसके बाद कॉन्टैक्ट में जो है उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में, यू नो आपकी हेल्थ ओवरऑल हम चेक करेंगे उसके बाद। और फिर लास्ट में गाइडेंस भी हमेशा की तरह हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो ये रीडिंग आपको पता है कि आपको कैसे देखनी है, जिस तरह से आप देखते हैं चेक करते हैं वैसे ही आपको चेक करना है। सन मून राइजिंग आपके नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कन्वीनियंट है आप, जैसे आप हमेशा देखते हैं अपनी राशि को वैसे ही आपको देखना है, ठीक है। सो यस, आई होप कि आप लोगों को अब अपनी जोड़ी साइन देखने की आदत हो गई होगी, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे देखना है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि इस तरह से हम देखें। सो जैसे आप चेक करते हैं हमेशा अपनी राशिफल को, वैसे ही आपको चेक करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इन टू द रीडिंग। हेलो टू माई टॉरस वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी वृषभ राशि है तो हम चेक कर रहे हैं 12 फरवरी टू 29 फरवरी क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट में जो है, कॉन्टैक्ट में जो है, उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। सो टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप देख सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं मेरे वृषभ राशि वाले उनके साथ। टैन प्लीज गाइड माई डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 12 फरवरी टू 29 फरवरी। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोला मैंने, यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस है, नहीं एरीज नहीं है, ओके। ये साइंस है आपके पार्टनर के, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, एनर्जी क्या होगी डिवाइन, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। ओके, नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो है 10, 4, 9, 8, 7, 13, 3, and 4, and 12, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, या तो अभी अभी आपका सेपरेशन हुआ है और आपने इनका दिल तोड़ा है ऐसा लग रहा है मुझे, या फिर ये इंसान, इनकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत पेनफुल है ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये इंसान थोड़े से पेनफुल एनर्जी में, थोड़े से नहीं, ये इंसान बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में दिख रहा है मुझे, जहाँ पर ये बहुत हर्ट है। अब या तो आपने इनको हर्ट किया है, या फिर ओवरऑल इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि ये इंसान कहीं भी खुश नहीं है, ना इनकी फैमिली में इनको सुकून है, ना इनका बिजनेस करियर अच्छा चल रहा है, ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली, कहीं भी ये इंसान जो है ना वो खुश नहीं है, ऐसी की एनर्जी दिख रही है, इनकी लाइफ सिचुएशन ऐसी दिख रही है, ठीक है, जहाँ ये थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, पेनफुल एनर्जी है इनकी ऐसा दिख रहा है। ये इंसान, फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, या तो फिर, या फिर आपसे सॉरी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको सॉरी बोलेंगे आकर, तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, इनका सॉरी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक्सेप्ट कर भी लोगे अगर आप, तो आप इनको दोबारा मौका नहीं दोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसलिए इनको ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इंटेंशन इनकी ऐसी है ना
कि ये इंसान सोच सोच के यू नो कैसे कनेक्ट करें आपसे, या फिर क्या बात करें, कैसे बात करें, कैसे सॉरी बोले, कैसे चीज़ों को सही करें, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। और ये भी चाहते हैं कि आप भी इस रिश्ते के बारे में सोचें, इस इंसान के बारे में सोचें और सोच समझ के डिसीजन लें। आप ये इंसान आपसे ये चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, यू नो आप रोक रहे हो खुद को इनकी तरफ बढ़ने के लिए, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको, इनको लग रहा है कि अगर ये प्यार का प्रपोजल आपको दे भी, अगर कोई इमोशनल प्रपोजल आपको दे भी, तो भी आप इनकी बात नहीं मानोगे या फिर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये इंसान आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं इमोशनली, लेकिन इनको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रूड और प्रैक्टिकल दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को रोक रहे हो इनसे कनेक्ट करने से, इसलिए आप प्रपोजल नहीं लोगे इनका, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और इसलिए ये इंसान जो है ना बहुत स्लो मूविंग है, बहुत सोच सोच के ये इंसान बढ़ेंगे आगे, ऐसी एनर्जी है। बहुत सारे अलग अलग पैंतरा को ट्राई करेंगे, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करेंगे, डायरेक्ट आके आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा। आएंगे भी तो बहुत स्लो एनर्जी होगी, इनडायरेक्टली आपको बहुत कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं ये कि ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे इंसान। ठीक है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी इनकी है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हालांकि एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। ओवरऑल देखिए बॉटम ऑफ द डेक दोनों ही एनर्जी ऐसी है कि इंसान एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं, इमोशनली भी कनेक्ट करना चाहते हैं और प्रैक्टिकल डिसीजन भी लेना चाहते हैं। लाइक यू नो प्यार भी चाहते हैं आपका और एक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी ओवरऑल। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप थोड़े से स्टक दिख रहे हो इस रिश्ते में, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, फंस गए हैं जैसे एनर्जी आपकी है। थोड़े से आप रूड दिख रहे हो अपनी ओवरऑल लाइफ में, सिर्फ इनके साथ नहीं बल्कि अपने ओवरऑल लाइफ में सबके साथ आप थोड़े से रूड इस टाइम बिहेव करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। बहुत ज़्यादा दिमाग से भी चलेंगे आप इस टाइम। ठीक है, एक होता ना कि दिमाग से फैसला करना, सही गलत क्या है अपने बारे में, अपने लिए क्या सही क्या गलत है ये सोचना, बहुत इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना किसी भी चीज़ में, और बहुत इंटेलेक्चुअली अपना अपने लाइफ को देख रहे हो आप, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, फीलिंग्स इनके लिए आपकी बहुत फीलिंग्स रहेगी इस टाइम, पैशनेट बहुत रहोगे आप इस टाइम पे, लेकिन आप शांत रहोगे, आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं इनको। आप आगे से आप भी बात बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे, अपनी हीलिंग भी करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे, यू नो अपने अपने ओवरऑल अपने लाइफ को जीते हुए दिख रहे हैं, अपने पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि फोकस आप इतना नहीं कर पा रहे हो, यू नो जितना फोकस आप करना चाह रहे हैं, अपने आप को नर्चर करना चाह रहे हैं, अपनी ग्रो पे अपनी ग्रोथ पे आपका फोकस इस टाइम ज़रूर है, लेकिन पूरे अपने आप को उस तरह से जिस तरह से आप सोच रहे हो ना, उस तरह से अपने आप को ढालते आप नहीं दिख रहे हो। आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये रिश्ता ख़त्म हो गया, या तो इस इंसान के लिए इस रिश्ते ये या तो इस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो कि इनकी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ख़त्म करना है रिश्ता, ये ऐसा लग रहा है आपको, यू नो ऐसा लग रहा है आपको कि अब और कुछ नर्चर नहीं हो सकता है, और इस रिश्ते में कुछ और नहीं हो सकता है, ना एफर्ट्स लग सकते हैं और ना ही कुछ और हो सकता है। तो मे बी जो सेपरेशन आपका हुआ होगा बहुत हार्श होगा, बहुत ज़्यादा यू नो एक दूसरे को हर्ट करना, या फिर ऐसी कोई एनर्जी होगी जहाँ पे आपको बिल्कुल भी होप्स नहीं दिख रहे हैं कि रिश्ता ये सही हो सकता है, या फिर कोई ग्रोथ इस रिश्ते में है, आपको ऐसा नहीं लगेगा इस टाइम पे। ठीक है, और आप मुझे अपनी हीलिंग करते दिख रहे हैं, इस इंसान को आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चुपचाप हैं, ज़्यादा अपनी एनर्जी को शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, थोड़ी स्टक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। सो एक्शन मुझे दोनों की साइड से ही नहीं दिख रहा है। आपके पर्सन जो है वो फिर भी आपसे बात करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन आपके साइड से मुझे कोई भी स्टार्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, उसके बाद में भी आप डिसीजन लेंगे, ऐसा हो सकता है, बट इस टाइम पे आप डिसीजन के मूड पे नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है मेरे वृषभ राशि वाले, उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। फ्रेंड प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में है, उनके पार्टनर और मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे रिवाइव। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please.
ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 2, 8 एंड 9। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये इंसान थोड़े से डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह लेते नहीं दिख रहे हैं ये इंसान। दोनों का ही इस टाइम फोकस अपने ऊपर रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी ग्रोथ पे, अपने फाइनेंस पे, बिजनेस पे, करियर पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान जो है ना आगे से कुछ एफर्ट्स लेने में अपने आप को रोक रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेना चाह रहे हैं और अपने कंफर्ट जोन में हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज भी दिख रहे हैं। कंफ्यूज इनके दिल और दिमाग में ये हो सकते हैं, कंफ्यूज अगर आप इनसे कोई स्टेबिलिटी चाहते हो, अगर आप इनसे कोई कमिटमेंट चाहते हो, तो ये इंसान कंफ्यूज है आपको कमिटमेंट दे या फिर नहीं दे, आपके साथ आगे बढ़े या नहीं बढ़े, या फिर यू नो, आपको लेके मे बी, या फिर इस रिश्ते को लेके इंसान मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, या फिर ओवरऑल अपनी लाइफ में ये इंसान थोड़े से इस टाइम पर कंफ्यूज रहेंगे। इनको समझ नहीं आएगा कि इनको करना क्या है, इसलिए अपने कंफर्ट जोन में है ये, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप एक एक फेज जो है, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मे बी आप इनसे कोई कमिटमेंट मांग रहे हैं या फिर कोई स्टेबिलिटी मांग रहे हैं आप इनसे, जो कि आपको नहीं मिल रही है इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। आपकी इंटेंशन ऐसी है कि आप प्रोवाइडर बनना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन आप इस इंसान के साथ बहुत बड़ा रिस्क लेने से भी डर रहे हैं। अगर आप मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं इनसे, चाहते तो आप हैं, लेकिन एक्शन लेने में आप डर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बहुत बड़ा रिस्क इनके साथ आप नहीं लेना चाहते हैं मैरिज कमिटमेंट का, हालांकि आप चाहते ज़रूर हैं एक स्टेबिलिटी, उसके लिए कुछ एक्शन ले, लेकिन आप रिस्क नहीं लेते, मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या रहेगा इस टाइम पे, दोनों ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने से बचेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यू नो, आपके पार्टनर भी बहुत एफर्ट्स नहीं लगाएंगे और आप भी बहुत एफर्ट्स नहीं लगाओगे, सामने से मैसेज करना या पूछना कैसे हो, क्या हो, या फिर यू नो, कुछ इनिशिएट करना, दोनों ही उस तरह से नहीं होंगे, मुझे ये दिख रहा है। दोनों अपने कंफर्ट जोन में होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और इस टाइम थोड़ी सी एनर्जी स्लो हो जाएगी आप लोगों की, इस रिश्ते की एनर्जी थोड़ी स्लो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चैट वगैरह हो रही थी, बहुत बातें अगर हो रही थी तो इस टाइम स्लो हो जाएंगी एनर्जी, मुझे ये दिख रहा है। इस टाइम फोकस आप लोगों का अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे के ऊपर कम रहेगा, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो समय इस टाइम थोड़ा स्लो होगा आप दोनों के बीच, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो मे बी वैलेंटाइन डे के दिन आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे इनसे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह, या फिर यू नो, कुछ कहीं डेट वगैरह, जो कि ये इंसान इतना एफर्ट्स नहीं लेते मुझे दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। अपने अपने ऊपर ज़्यादा फोकस आप लोगों का रहेगा, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी जो लोग कॉन्टैक्ट में हों उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे वृषभ राशि वाले मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ और आउटकम क्या रिसीव करेंगे इस टाइम का, हम ये चेक करेंगे। फ्रेंड प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 12 फरवरी टू 29 फरवरी, डिवाइन उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स वन मोर टाइम प्लीज। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 26, 24, 23, 21, दो कार्ड्स आ गए हैं। और 8, 13 एंड 11। ठीक है, सो ओवरऑल लाइफ में मुझे यहाँ पे प्लेन की एनर्जी दिख रही है। अ जर्नी इज इंडिकेटेड इधर फिजिकल और मेटाफोरिकली, योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। ओवरऑल लाइफ में जहाँ भी ऑब्स्टिकल्स आपको लग रहे थे, थोड़ा सा आप इस टाइम पे एक राहत की सांस लेना, जैसे हम कहते हैं ना कि फुलफिल्ड होना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ के सिचुएशन में जहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे लव रिलेशनशिप हो सकता है आपका, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे पहले, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी, अगर आप सेपरेशन में थे। अगर सिंगल्स थे, कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपकी सोलमेट वाली एक फीलिंग्स आपको देंगी, ऐसी कोई एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो कि बहुत नर्चरिंग होगी और उनको देख के आपको एक राहत की, एक सुकून आपको महसूस होगा, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है,
कहीं ना कहीं कुछ न्यू बिगनिंग होता दिख रहा है मुझे। अगर सिंगल्स हैं, आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है जिससे मैरिज वगैरह आपकी हो सकती है। अगर आप सेपरेशन में थे, पास्ट के पर्सन वापस आ सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो प्रेगनेंसी मुझे दिख रही है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। सो कुछ ना कुछ एक गुड न्यूज़, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। करियर में मुझे ये दिख रहा है, अरे मैंने तो सारे कार्ड्स निकाल लिए। ओके, करियर में मुझे दिख रहा है स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर माइंड। देखिए, अगर आप डबल माइंड में है ना कि जॉब चेंज करे या नहीं, या फिर बिजनेस स्टार्ट करे, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे, अगर ऐसा कुछ है तो इस टाइम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए और अपने माइंड को पहले क्लियर करें। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, देखिए फिर कन्फ्यूजन वाली एनर्जी ही है, ठीक है। अपने माइंड को क्लियर करने की जरूरत है, आपको चाहिए क्या, करना क्या है। ओके, अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, ऑप्शंस बहुत है आपके पास और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बिजनेस आप स्टार्ट करें, या फिर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं आप अगर, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और बहुत दिन से इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्लो डाउन होने के लिए आपको गाइडेंस मिल रही है कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, थोड़ा शांत रहें, सोचें समझें कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, पहले अपना माइंड क्लियर करें, उसके बाद आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। जो भी आप चाहते हो ना वो होगा ज़रूर, इस टाइम थोड़ा सा शांत हो जाएं और उसके बाद शांत दिमाग से आप प्लान करें कि आपको क्या चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए प्लान अगर कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा रुक जाएं, उसके बाद सोच समझ के इन्वेस्ट करें। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी दिख रहा है कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, या तो बहुत सारे प्रॉपर्टी आपने देख लिए हैं, आपको कन्फ्यूज़ हो रहे हो आप, या फिर बिजनेस के लिए आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, कुछ ना कुछ फाउंडेशन है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। सो यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड करें, थोड़ा सा शांत हो जाएं आप और थोड़ा सा सोच समझ के उसके बाद डिसीजन लें, अगर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए है तो। अगर जॉब चेंज करने के बारे में है, ऐसा कुछ है, तो भी यहाँ पे थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स करें। अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही ना तो मेडिटेट करें, ठीक है, मेडिटेट करें और आराम से मेडिटेशन में जो भी चीज़ें आपकी, जो हायर सेल्फ आपको गाइड करती है, वो डिसीजन आप लें इस टाइम पे, ठीक है। रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है देयर आर स्पिरिचुअल मैसेज एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशंस। सो रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होगा, ये मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सेपरेशन बहुत लंबा चल रहा है आपका, तो यहाँ पे डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि ये जो सेपरेशन है ना, इसको यूटिलाइज़ करें अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। जब आप अपने सेपरेशन इज अ प्रिपरेशन पीरियड हम कहते हैं, है ना। सो सेपरेशन में अगर आप हैं और उसको एक ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, जब आपका सेपरेशन ख़त्म हो तो एक नए इंसान में आप ट्रांसफॉर्म हो जाएं, ऐसी की एनर्जी में आपको आना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई इंसान हमें हर्ट करता है ना रिलेशनशिप में, तो आप समझ जाएं कि उनके साथ कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है हमारा, जो कि वो इंसान या तो लेने के लिए आता है, कर्मा अपना वापस करने आता है, या फिर देने के लिए आता है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ रहता है जो कि बराबर होना है। सो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आपको अपने तरफ से अपने कर्मा खराब नहीं करने हैं, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। अगर आप चीटिंग करने का सोच रहे हो, धोखा देने का सोच रहे हो, उनको सबक सिखाने का सोच रहे हो, तो बिल्कुल भी मत करें, ऐसा कोई कर्मा ना करें जो कि आपको बाद में वापस आपके पास ही वापस आए, ठीक है। सो जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको डिच किया है, किसी ने आपको तकलीफ दी है, तो इस टाइम उनको माफ़ करें, हील करें खुद को और मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि बाकी उस इंसान के अलावा अगर किसी और रिलेशनशिप में आप जाएं तो वहाँ ये सेम चीज़ें रिपीट ना हो, ठीक है। क्योंकि जो भी कर्मा आपके होते हैं ना, वो किसी भी इंसान के साथ हो, लेकिन वो कर्मा आपके पास वापस ज़रूर आते हैं। सो अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं मन में बदला लेने का या फिर सबक सिखाने का, तो बिल्कुल भी ना करें, शांत रहें, उनको माफ़ करें, अपने आप को हील करें, ठीक है। हेल्थ में मुझे दिख रहा है पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको अंदर अंदर ना रखें, अगर ज़रूरत पड़ती है मेडिकेशन की, मेडिकल हेल्प की, तो ज़रूर चेकअप करवाएं और
जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है उसकी रूट को समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों को छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है और वो लोग इग्नोर करते हैं अपने हेल्थ इश्यूज़ को। छोटी छोटी चीज़ें ही बाद में बहुत बड़ी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है ना। सो अगर कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जो अंदर अंदर है, आपको पता है कि कुछ चल रहा है अंदर, तो उसको दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी है अंदर उसको अंदर ना रखें, उसको दिखाएँ और ख़त्म करें, जड़ से निकालें। ठीक है, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको इस टाइम पर हो सकते हैं, मुझे ये लग रहा है। अगर है ऐसा तो ध्यान देने की ज़रूरत है अपने हेल्थ पे इस टाइम पे। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? योर हार्ट डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। जो भी आप चाहते हैं ना, वो थोड़ा सा ऑब्स्टिकल हो रहा है वहाँ पे। जो आपकी विश है वो पूरी होने में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल वहाँ क्रिएट हो रहा है। ये ऑब्स्टिकल आपके माइंड, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, ये जो ऑब्स्टिकल है ना, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने की इच्छा अगर आपकी है, प्रेयर बहुत आपने किए हैं डिवाइन से, अपने ईश्वर से, और नहीं हो रहा है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं नहीं हो रहा है, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है आपको कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आप थोड़े से स्टक दिख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन से आप नहीं निकल पाओगे, जहाँ फंसे हो ना वहाँ से आप निकल नहीं पाओगे। मतलब जो भी चीज़ें आप मांग रहे हो वो आप मन में आप बना लिए हैं कि वो चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी, किसी भी तरह से मुझे नहीं मिल सकती वो चीज़ें। जब इस तरह से आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन कभी भी पूरी नहीं होगी। मैनिफेस्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो भी चीज़ आप चाहते हैं, भले आप प्रेयर कर रहे हो, भले आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एफर्मेशन दे रहे हो, आपको पहले अंदर से पॉजिटिव होना होता है। आपको बहुत फेथ रखना होता है, बहुत बिलीव करना होता है, तभी वो चीज़ें होती है। अब आप फेथ कब कर पाओगे? जब आप अंदर से पॉजिटिव होंगे, आपकी वाइब्रेशन जब अच्छी होगी तब आप बिलीव कर पाओगे, तब आप फेथ रख पाओगे, है ना। सो जब मैनिफेस्टेशन करने का मतलब ये होता है, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको उस एनर्जी में रहना है जैसे कि वो चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल गई हैं, वो वाइब्रेशन आपकी रहेगी आपके अंदर, तभी आपकी वाइब्रेशन जो आपकी विश है वो पूरी होंगी। ठीक है, यहाँ गोल्स की एनर्जी आउटकम में है। प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। जो भी आपके गोल्स हैं, जो आप सोच रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें प्रोग्रेसिव वे में हैं, मतलब प्रोग्रेस हो रही हैं, धीरे धीरे ही सही आपके करीब आ रही हैं। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो अपने लाइफ में, आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, अगर मैरिज चाह रहे हो, बहुत दिन से रिश्ते देख रहे हो, कहीं फिक्स नहीं हो रहा है अगर, तो वो भी चीज़ें आप डिवाइन ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव है, मतलब चल रहा है, बहुत जल्दी वो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, अगर आप घर खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो चीज़ें हो जाएंगी। घर में खुशियाँ बहुत दिन से अगर नहीं थी, आप पॉजिटिविटी चाह रहे थे, तो वो हो जाएंगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ, जहाँ आप स्टेबल होना चाहते हैं ऐसी एनर्जी है। कोई क्रिएटिविटी है, किसी को प्रपोज करना है, या फिर किसी को कोई ऑफर देना है, या फिर कोई बिजनेस, फाइनेंस, करियर, कुछ भी है जो आपके गोल्स हैं, जो आप बहुत दिन से जिसके पीछे काम कर रहे हो, वो चीज़ें डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि प्रोग्रेसिव हैं, आपके पास आ रही हैं, करीब आ रही हैं, भले आपको नहीं दिख रही हैं लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइडेंस हम देख लेते हैं मेरे वृषभ राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई टॉरस 12th फरवरी से 29th फरवरी के लिए गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। डोंट सेटल फॉर लेस। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू। डोंट गिव अप। अगर आप लेस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जहां आपकी इच्छा नहीं है, मर्जी नहीं है, फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि लेस में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जहाँ आपका दिल नहीं मान रहा है वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, भले वो जॉब हो, कोई रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी आप चाहते हैं। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप डिवाइन चाइल्ड हैं। आप अगर सैलरी आपको जो चाहिए आपको वो नहीं मिल रही है, और लेस में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि चलो इतने में ज्वाइन कर लेते हैं, मत कीजिए। डिवाइन आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो। आपको गिव अप नहीं करना है, बस आपको मेहनत करना है। ठीक है, जो चीज़ चाहते हो उसके पीछे मेहनत करते रहिए, लेकिन गिव अप मत कीजिए। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। आर्कएंजल गैब्रियल जॉइंस मी टू स्पार्क योर क्रिएटिविटी, help you communicate your vision and motivate you to create something beautiful. So जो भी आपके goals हैं, जो भी आप चाहते हो अपने life से, और उसके लिए जो आप action ले रहे हो ना, divine आपको ये guide कर रहे हैं कि creatively अपनी energy को उस action में include कीजिए। Archangel Gabriel आपको help करेंगे यहाँ पर creativity के लिए। अगर आप ऐसे कोई business में हैं, ऐसे कोई
प्रोफेशन में है जहाँ पे आपको वॉइस या फिर कम्युनिकेशन आपकी यूज होती है, तो डिवाइन वहाँ आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे और और आपको मोटिवेट करेंगे कुछ और नया विजन क्रिएट करने के लिए, आपको हेल्प करेंगे बेसिकली, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो उसको क्रिएटिवली करने की ज़रूरत है, जो भी आप कर रहे हैं अपने करियर, फाइनेंस, बिजनेस में, पढ़ाई अगर कर रहे हैं आप, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप क्रिएटिविटी को इंक्लूड कीजिए, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो माय डियर टॉरस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।